Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. रिश्तों को मजबूत बनाने बातों बातों में समझाने किरणों किरणों पाओ धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में इसी दुआ उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं है जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हूँ. आपको भी पता है मुझे भी पता है हम सब जब अपनी किताब पढ़ते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से रुश्द व हिदायत का मंबा है जो हमें सीधे रास्ते पे चलाने के लिए अहकामात का और उसके साथ साथ ज़िंदगी गुजारने के असूलों का एक मजमुआ है. मैं कुरान हकीम की बात कर रही हूँ तो बहुत सारे उसमें वाकयात बयान किए जाते हैं और वो वाकयात जो हैं वो हमें इंस्पिरेशन भी देते हैं मोटिवेशन भी देते हैं इबरत भी देते हैं नसीहत भी देते हैं बहुत सारे सबक देते हैं ज़िंदगी के. बहुत सारी बातें जो हैं वो उसमें छुपी हुई हैं क्योंकि हम उनसे रिलेट कर सकते हैं. उसमें एक वाकया जो है जो इब्तदाई कायनात के बारे में जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो एक्चुअली वो क्या सूरत हाल है वो क्या दास्तान है. जितना जितना इशारों में हमें बताया गया जितना खोल के हमें बताया गया बस उतना ही हमें उसके बारे में इल्म है. और उसमें एक वाकया जो है वो आदम और हव्वा की पैदाइश के बाद ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि एक दरख्त है उसके पास नहीं जाना. ये उनको एक नसीहत की गई कि शैतान खुला दुश्मन है उसके बहकावे में नहीं आना और उस दरख्त के पास नहीं जाना. अब मैं बात जिस चीज़ की करने वाली हूँ ना आप कहेंगे मेरा आज का शो मॉर्निंग शो है हम डेफिनेटली आपके लिए एंटरटेनमेंट लेकर आए. लेकिन ये वो जो एक हुक्म था उस हुक्म की नाफरमानी हुई उस हुक्म को तोड़ा गया उसके पीछे इंसान की एक फितरत है और वो फितरत ये है कि हर इंसान के अंदर तजस्सुस का मादा मुझे कूट कूट के भरा हुआ है. हर इंसान जो है वो बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव है वो जानना चाहता है उसके अंदर जो प्यास है ना जानने की वो जो तड़प है चीज़ों के बारे में ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है ये कौन है वो क्या हो गया है ये किसने किया है इसकी क्या वजह है इसका बैकग्राउंड क्या है. ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारी फितरत का हिस्सा है जो हमारे अंदर है जिसने हमसे गुनाह भी करवाए जिसने हमसे बहुत सारी साइंसी इजादात भी करवाई जिसने हमारे साथ बहुत सारी जो है ब्लेसिंग्स भी उसकी वजह से हम लोगों की जिंदगियों में. अगर किसी भी इंसान के अंदर या कह लें कि न्यूटन के अंदर ये ना सोच पैदा होती कि ये जो सेब गिरा है ये नीचे की तरफ क्यों गिरा है ये जो क्यों है ना ये बहुत अहम है ये क्यों गिरा है नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिर गया उड़ के. तो हमें ग्रेविटेशनल लॉज हमें जमीन की कशिश शक्ल के जो कवानीन है वो कहाँ से मिलते हैं जिसके ऊपर आज पूरी दुनिया का फिजिक्स का जो निज़ाम है उसको हम समझ सकते हैं कोशिश कर सकते हैं ऐसी बेशुमार ऐसी इजादात. सो कोई भी अल्लाह ताला की दी हुई एबिलिटी जो है या अल्लाह ताला की तरफ से फितरत जो है मुकम्मल सही या मुकम्मल गलत नहीं होती. उसका इस्तेमाल है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं जो उसे अच्छा बना देता है और उसी एबिलिटी का गलत इस्तेमाल उसे गलत बना देता है. एनीवे आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे मेहमानों से मिलाऊंगी जो हमें यही खबरें बातें कहानियाँ किस्से मोमेंट की बातें बता रहे होते हैं और उन्हीं में से हमने देखना है कि हमारी कौन सी जोड़ी हमारा कौन सा जो प्रोफेशन जो प्रोफेशनल है वो सबसे अच्छा है हमारा दिल जीतने में कामयाब रहता है. इन सब को आप देखते हैं मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स पे मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स में मुख्तलिफ किस्म से अपने अपने अंदाज से आपको खबरें पहुँचाते हुए और बातें बताते हुए मैं बुलाना शुरू करूँगी. सबसे पहले मैं बुलाने जा रही हूँ यहाँ पे हमारे बहुत टैलेंटेड वजाहत खान. अस्सलाम वालेकुम वजाहत कैसे हैं आप. अल्लाह का शुक्र आप सुनाए. मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र. सुबह और मॉर्निंग शो कैसा लग रहा है. हाँ बहुत अच्छा लग रहा है. वैसे तो चैनल में भी रूटीन यही है मॉर्निंग शो की बट स्पेशल उठ के आना वो उसकी एक अपनी फीलिंग होती है. बिल्कुल सही बहुत शुक्रिया तशरीफ रखिएगा. और अब मैं यहाँ पे बुलाऊंगी हमारी एक और बहुत खूबसूरत न्यूज एंकर सुहा अफजल. मैं सोहा को बुलाया था कैसे हैं आप. अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं अल्लाह का शुक्र. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग हैव सीट. कैसे हैं यू कैसी जा रही है खबर की जिंदगी और न्यूज की जिंदगी. बहुत अच्छी. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड सोहा आ ही जाइए आप आधा आकर फिर वापस चली गई. सोहा कैसी हो. मैंने कहा उनका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाए ना. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक. आपको अपने नाम की आवाज नहीं. नहीं बिल्कुल आई थी लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे इस हवाले से. अच्छा ओके थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. एंड अब मैं यहाँ पे बुलाने जा रही हूँ आयशा यूसुफ.
कैसी हैं? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच. खवातीन जो हैं, आपके ख्याल में वो ज्यादा टैलेंटेड हैं इस प्रोफेशन में या मर्द हजरा? दोनों. सब में खवातीन ज्यादा टैलेंटेड हैं क्योंकि ज्यादा टैलेंटेड हैं. खवातीन ज्यादा चैलेंज क्योंकि उनकी हार्डशिप्स भी ज्यादा होती हैं, उन्हें ज्यादा चीजों को फेस करना होता है मर्दों की निस्बत. ठीक है, ये भी बात की गई है. ठीक है, जरा खवातीन के कुछ इश्यूज होते हैं, हमारा कल्चर ऐसा है सोसाइटी में रहते हुए, इस सोसाइटी में थोड़े से मसाइल ज्यादा है. वैसे काम तो सेम है. ओवरऑल सोसाइटी की बात की जाए तो कंपैरेटिवली मैनेज ज्यादा करना पड़ता है. नहीं, इस फील्ड में खासकर जो है खवातीन की जरा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है. कंट्रीब्यूशन ज्यादा. अच्छा, ये मैंने और मर्द और औरत की बात छेड़ी. हम जैसे मैं शुरू से सुबह से आपके साथ एक मुआशरती रवैया डिस्कस कर रही हूँ. मर्द और औरत तो एक, लेकिन हमारे मुआशरे में एक और जेंडर भी है और जिसके साथ रवैया हमारा जो है हमेशा बड़ा मखसूस एक अंदाज रहा है. हम उन्हें अपने दरमियान जगह देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मेरी अगली जो मेहमान है उन्होंने चैलेंज किया है हमारी इस मुआशरती रवैये को और उन्होंने साबित किया है कि जेंडर किसी भी प्रोफेशन के रास्ते में नहीं आनी चाहिए और आ भी नहीं सकती. सो हम यहाँ पे वेलकम करेंगे पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर मारविया मलिक. कैसा लगा आपको जैसे मैं अभी कह रही थी कि मतलब आना इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में? बहुत एक्साइटमेंट हुई और ये तो डेली की रूटीन बन गई हुई है और बहुत अच्छा लगा. बिल्कुल सही. अच्छा, अब मैं इसे पहले के कंटिन्यू करूँ. अब मुझे अपनी छोटी छोटी स्टोरी, मुख्तसर स्टोरी पहले मारवी आपसे शुरू करेंगे कि किस क्या जर्नी रहा यहाँ तक पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर. वेल, अगर मेरी स्टोरी का कहा जाए तो वो तो पूरी दुनिया जानती है और आज आपको बता देती हूँ. बिल्कुल नॉर्मल सी लड़की थी घर में रहने वाली. तो आपको पता है जो हमारी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर पर्सन्स के साथ किया जाता है, मेरे साथ भी घर में वही हुआ और मुझे डिसऑन कर दिया गया. मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैंने इंटरमीडिएट तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे तालीम दी. और वो तालीम जो है वो आपने गर्ल्स इंस्टीट्यूशन में ली? गर्ल्स में ली. गर्ल्स में ली जी. क्योंकि अगर आप ट्रांसजेंडर की हिस्ट्री में जाते हो तो बहुत सी कैटेगरीज आती हैं, इंटरसेक्स पर्सन, ट्रांसजेंडर मेल, ट्रांसजेंडर फीमेल. बेसिकली आई एम बाय बर्थ ट्रांसजेंडर फीमेल. सो मेरा आईडी कार्ड, मेरा पासपोर्ट, मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब फीमेल हैं. मारवी, ये पता कैसे चला था कि आई एम ट्रांसजेंडर? मैं बॉय, लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ? नहीं, कुछ और नहीं कहा जा सकता. ये कहा जा सकता है कि औरतों की तरफ ज्यादा ये कहा जा सकता है. लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वो एक अलहदा चीज है. अगर आप फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वो एक अलहदा चीज है. तो मेरा बेसिकली ये था कि जब मैं पैदा हुई तो पूरे घर वालों को, हर किसी को पता था मेरा जेंडर क्लियर नहीं था. ठीक है, जैसे जैसे बढ़ती गई, बड़ी होती गई, वैसे वैसे मैं जेंडर क्लियर होता गया. तो फिर डॉक्टर के थ्रू, फिजिशियन के थ्रू हर चीज का पता चल गया मुझे ना, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई. तो फिर बात क्लियर हो गई. ठीक है, 14-15 साल की एज तक. तो फिर वो रवैये तो ऑलरेडी बहुत डिफरेंट थे सबके. तो वो जब क्लियर हो गया तो और ज्यादा चेंज होते गए. तो घर में बिहेवियर नहीं था अच्छा. अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ और फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है मेरी फैमिली. मेरे फादर 25 साल से लंदन में है. तो लेकिन बाकी सब बहन भाइयों के लिए, कजन्स के लिए वो सब चीज़ें अवेलेबल होती थी, लेकिन मेरे लिए नहीं थी होती. तो वो काफ़ी उनका बिहेवियर ना चेंज था. तो मुझे बचपन से इस चीज़ का था कि नहीं यार, मैं, मेरे में कुछ है कि मैं करके दिखा सकती हूँ. तो वो एक घर वालों का प्रेशर था, एक मेरा अपना था कि नहीं मैंने कुछ करना है. तो बस मुझे नहीं पता कि जब मैं घर से निकली तो कैसे कैसे रास्ते बनते गए और मैं आगे बढ़ती हूँ. वो सफ़र किया है जिसके बाद आप यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर अपीयर हुई? क्या क्या सफर तो बहुत मुश्किल था, मुश्किल है और मुश्किल रहेगा. अच्छा जी, अभी भी? अभी भी. मैं, आपने जिस टॉपिक पे बात कर दी है, मैं बहुत ज्यादा, मेरी फीलिंग्स बहुत हार्श हो जाती हैं, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ आपको. अभी भी मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ, ये टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है. हाँ, क्योंकि आप देखिए, आप सबके साथ फैमिली की सपोर्ट है, विदाउट फैमिली I'm sorry. हाँ, बहुत डिफिकल्ट होता है. तो
हम सब आपके साथ हैं और ये हमने इन चीजों को स्टीरियोटाइप किया हुआ है, बड़ा दुख होता है। ब्रिज किया गैप और आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि मेरा भी खुद भी बैकग्राउंड साइकोलॉजी में है, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट वी वेंट थ्रू। तो ये तो मुश्किल था, मुश्किल है और मुश्किल रहेगा क्योंकि अभी तक मैं 22 इयर्स की हूँ तो मैंने अपनी लाइफ में डिफिकल्टीज ही देखी हैं। ये पिछला थोड़ा सा दौर था जो कि बहुत अच्छा गुजरा। अब मैं ज़ाहिर सी बात है मॉडलिंग भी कर रही हूँ, साथ साथ मॉडलिंग का करियर भी। तो वो जो एक सोसाइटी का प्रेशर होता है ना, वो बातें, वो सब चीज़ें, कुछ भी करो उन्होंने वीक पॉइंट लाजमी ढूंढना। हालांकि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का। अब पिछले दिनों मेरे बोल्ड शूट्स हुए और मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी थी और आज मैं सबके सामने ये बात बताना चाहूँ, डिप्रेशन में आके मैंने अपने बाल काट लिए, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी मैं, एक ऐसे फेज में चली गई मैं कि मैं महीना डेढ़ महीना घर से बाहर नहीं निकली मैं। और ये भी किसी को भी नहीं बता, जो भी पूछता मैं ये कहती हूँ मैंने हेयर कट करवाया, पिक्सी कट करवाया शूट के लिए, लेकिन मैंने डिप्रेशन में आके अपने बाल काटे और उस फेज से बहुत मुश्किल से मैं निकली हूँ कि नहीं मैंने दुनिया को फेस करना है। और इस तरह फेस करना मेरे ख्याल से कोई आम इंसान की बात नहीं होती, ये बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। तो इंशाल्लाह आई डोंट सी एनीथिंग बैड अबाउट यू और मुझे नहीं समझ आती कि आपको लगता है अपेरेंटली शायद कि बहुत सारे लोगों के साथ। अभी रिसेंटली मैंने काफी बोल्ड शूट करवाया। अच्छा, बोल्ड शूट करवाया मेरा, तो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मैं कुछ लोगों के कमेंट्स देख रही थी। मर्जी से करवाया आपने? हाँ जी, मैंने अपनी मर्जी से करवाया और मैं कमेंट्स रीड करी थी, दूसरी कंदील बलोच, सेकेंड कंदील बलोच, तो ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया। आप लोग कमेंट्स करते हुए या बातें करते हुए मिनट नहीं लगाते हो, लेकिन वो जर्नी, वो टाइम पीरियड जो अगले बंदे ने सब कुछ फेस किया होता है, उसका अंदाजा नहीं होता। मैं एक बात बताऊं, ये जो कमेंट्स दिए जाते हैं ना, मेरे ख्याल से ये आपके ऊपर इतने ज्यादा असरअंदाज नहीं करने चाहिए क्योंकि हर तरह का ओपिनियन कहीं ना कहीं असरअंदाज होते हैं। जस्ट इग्नोर देम, ना पढ़े उनको। आप पढ़ती हैं? मैं पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि आप डाउन हो जाते हो, लेकिन वही डाउन पीरियड होता है जो कि आप दोबारा सामने दुनिया के आते हो और एक नए अंदाज से आते हो। व्हाट वाज द जो डिप्रेशन जब आपको हुआ, आपने किसी से बात की, आप डॉक्टर के पास या आपने कंसल्ट किया या आपने कुछ कोशिश की क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, कहीं पे भी नहीं गई। आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों को फ्रेंड्स वगैरह थे, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया। आई एम ऑल्सो प्रेजिडेंट ऑफ केएसएफ खाजसरा सोसाइटी, एनजीओ जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हेल्थ के ऊपर और बेसिक राइट्स के ऊपर काम कर रही है। तो मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने, मेरी फीमेल फ्रेंड्स ने काफी ज्यादा मेरी हेल्प की मुझे उस पीरियड में आउट करने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है अब दोबारा गुजर कर। सपोर्ट सिस्टम हमेशा होता है। सुबह मैं और मालिक इकट्ठे आ रहे थे तो उन्होंने गाड़ी में मुझे ये बताया कि मैंने हेयर कट नहीं कराया और मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रेस इशू था मुझे। लेकिन आप देखिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मीडिया इंडस्ट्री, तो जब ये मीडिया इंडस्ट्री में आई तो हम सब ने बहुत सपोर्ट किया। इनके टीचर मेरे इदारे में ही होते हैं और ही इज अ पर्सन जिन्होंने उन्हें न्यूज़ कास्टर बनाया है। तो न्यूज़ कास्टिंग करना इट्स नॉट एज ईजी एज पाए, हमें लगता है हम बैठे हुए हैं, प्रॉम्प्टर पढ़ रहे हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। यू हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। पीछे एक तबका काम कर रहा होता है, हर तरह का बंदा काम कर रहा होता है, न्यूज रूम में, रन डाउन में, ये कैमरा मैन, फील्ड में जाने वाले बंदे, तो वो जो आउटपुट लेकर आते हैं वो हमें देनी होती है। ठीक, तो ये काम सीखा जो इन्होंने, तो मेरे ख्याल से मीडिया इंडस्ट्री में आपको बहुत रिस्पेक्ट दी गई है, हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम सबकी छोटी छोटी स्टोरी, छोटी छोटी कहानी कि कौन कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन एक ब्रेक पहले।